दोस्तों, किसी भी प्रजा के संबंध में महत्वपूर्ण है कि उनका राजा दयावान हो, बलवान हो, निर्णयकारी हो। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस प्रजा के राजा स्वयं भगवान राम हो, उन्हें किसी और प्रशासक की ज़रूरत ही नहीं। राजा राम की नगरी ओरछा में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम दर्शन मध्य प्रदेश में। स्मृतियां रह गई हैं। आज हम चलेंगे उन्हीं स्मृतियों की दर्शन यात्रा पर। वीरों और कलाकारों की जन्मस्थली, हमारी संस्कृति छुपाए अपूर्व शांति की ओर, हजारों की संख्या में देश विदेशों से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है ओरछा।
दीवारों पर उकेरी गई मनमोहक कलाकारियों के लिए प्रसिद्ध है। धर्म ग्रंथों से संबंधित चित्रकारी भी राजमहल विश्व का एकमात्र ऐसा भव्य मंदिर जो कि प्रतिमा रहित है, जिसका निर्माण मधुकर शाह ने अपनी पत्नी के आराध्य भगवान राम की मूर्ति की स्थापना के लिए करवाया था, इसका नाम है चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण
भगवान राम की भूमि के लिए विशेष तौर पर किया गया था। लेकिन भगवान राम की मूर्ति इस मंदिर में नहीं रखी जा सकी, तब से यह मंदिर मूर्ति विहीन है। लेकिन पर्यटकों के विशेष रुचि के कारण इस मंदिर की लोकप्रियता बढ़ती गई, जिसे देखकर कालांतर में यहां पर भगवानों की मूर्ति को रखा गया है, जिसमें मधुकर शाह के इष्ट देव कृष्ण भगवान के साथ महारानी गणेश कुवरी के इष्ट राम भगवान के साथ लक्ष्मण एवं सीता माता विराजमान है। चतुर्भुज मंदिर के निर्माण में बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि देखते ही बनता है। बड़े बड़े पत्थरों निर्मित मंदिर का शिखर राजमहल से दिखाई देता है, जहां से वर्तमान में रखी भगवान की मूर्ति को सुस्पष्ट देखा जा सकता है। चतुर्भुज मंदिर के मुख का निर्माण राजमहल की ओर इसलिए रखा गया था कि जब महारानी निंद्रा के पश्चात उठे तो सबसे पहले उन्हें उनके इष्ट देव राम भगवान के दर्शन हों। परंतु किन्हीं कारणों से मूर्ति इस चतुर्भुज मंदिर में नहीं रखी जा सकी। इस मंदिर का निर्माण दो चरणों में हुआ। पहले चरण में मधुकर शाह और दूसरे चरण में वीर सिंह देव ने बनवाया। इस मंदिर के निर्माण में बुंदेली शैली और नागर शैली का इस्तेमाल किया गया है। चतुर्भुज मंदिर की बात की जाए तो इसके निर्माण में भी उच्च कोटि की कलाकारी दिखाई देती है, जिसमें बुंदेली शैली और नागर शैली का खूबसूरत संगम है। बड़े बड़े स्तंभों की नींव पर रखा गया यहां चतुर्भुज मंदिर की विशालता देखते ही बनती है। चतुर्भुज मंदिर की बनावट अपने आप में अनोखी है, जिसे देखने के लिए कई सैलानी विश्व भर से यहां पर आते हैं। इसके निर्माण के पीछे की कहानी सबको इस ओर आकर्षित करती है। चतुर्भुज मंदिर से राजा राम मंदिर का अविस्मरणीय दृश्य दिखाई देता है, जहां पर भगवान राम की मूर्ति रखी गई है। महारानी गणेश कुंवरी के भूलवश भगवान राम की मूर्ति महल के अन्य भाग में रख देने के कारण चतुर्भुज मंदिर में भगवान राम की स्थापना नहीं हो पाई, क्योंकि भगवान राम के कथनानुसार उनकी स्थापना वहीं पर हो सकती थी जहां पर उनको पहले रख दिया जाए। चतुर्भुज मंदिर से ओरछा शहर के खूबसूरत दृश्य का अवलोकन कर मन को अद्भुत शांति का आभास होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम भगवान राम की नगरी में वास करते हुए वास्तविक सुख का अनुभव कर रहे हों, जो सिर्फ सतयुग जैसे काल से ही प्राप्त हो सकता है। अगर हम बात करें सतयुग की, तो राम राज्य का मनोहारी दृश्य और सुखी प्रजा हमारे नैनों के सामने दिखाई देती है। अगर हम ओरछा को सतयुग के राम राज्य कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। ओरछा की इस यात्रा को यहीं समाप्त करते हुए मैं ज्योति दुबे आपसे विदा लेती हूँ।